नमस्कार मित्रहो, आपण आहोत आता गोलकोंडा किल्ला इथे हैदराबाद या शहरामध्ये। हा फार एक प्राचीन आणि एकदम इंटरेस्टिंग किल्ला आहे। हे त्याचं प्रवेशद्वार आपण पाहिलं। या ठिकाणी उभं राहून जर इथे टाळी वाजवली तर त्याचा एको दूरपर्यंत ऐकू जातो। हे एक विशिष्ट ठिकाण आहे दरवाजाकडचं। सब सेलफोन दीजिए, आप ले जाते थे ऊपर, पालकी जब ऊपर जाएगी तो लोग तो वीडियो होंगे तो लांबे, मतलब स्टेप पे जाते वक्त लेवल करने के लिए, चाहे ग्राउंड रहेगा एक लेवल, हाइट पे जाएंगे तो दो गिड्डे लोग दो लांबे लोग पालकी का लेवल करने के लिए ऊपर जाते वक्त। हीरे की मार्केट हुआ करती थी, ये कोई नो बाग है, यहाँ से कोई नो हीरा निकला जो कोई मलाटा के ग्राउंड में। ये ज़माने का बट है, लोग काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, 240 किलो का है। ये आर्मी में सलेक्शन करते थे, एक आदमी उठाए तो उनको आर्मी में जॉब पे ले लेते थे बिना क्वालिफिकेशन के। अभी उसकी एक टेक्निक है, दो आदमी तीन आदमी भी उसको नहीं उठा सकते, पहले के एक आदमी उठाते थे। किले की खास बात ये है कि अक्सर किले जो है नीचे से बन के ऊपर जाते हैं। ये पहाड़ी माउंटेन इलाके थे, ऊँचे बड़े बड़े ऊँचे पहाड़ों पर हैं। ये फोर्ट जो है ऊपर से बनते हुए नीचे आया, क्योंकि पहाड़ को काट के फोर्ट बनाए। किला बनने में 62 साल लगे। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर डोर नहीं होते थे, पर्दा सिस्टम। उस ज़माने में क्या था, जनाना मतलब लेडीज़ को बोलते हैं, जनाना हो तो पर्दे नीचे, जनाना ना हो तो पर्दे ऊपर। ये जो स्टोन के हुक हैं इसमें बम्बुआ लगाने के बाद पर्दे डाल देते हैं, मतलब एक कमरा, फिर सेम कमरा इसके नीचे है, गवर्नमेंट तमाम रास्तों को सील कर। तो उस ज़माने में बादशाह जो है हमेशा पैदल ही जाते थे, कभी पालकी में कभी गौ हाथियों पर। तो इसका जो इनर वॉल है 4 किलोमीटर का, उस पर से घोड़े हाथियाँ पेट्रोल करके टॉप में पहुँचते थे जहाँ पर बादशाह का दरबार होता। यहाँ से एक खुफिया रास्ता है जो बादशाह भाग्यवती से मिलने के लिए हैदराबाद पहुँचते थे। तो यहाँ से जो रास्ता है वो ज़मीन के अंदर का वो 10 किलोमीटर दूर है। बाग उस ज़माने का बेगम साहबा यहाँ घूमने आते थे। बादशाहों के दो कनीज थे, तारामती प्रेमामती, इनकी गेस्ट हाउस हैं। तारामती बारादरी 3 किलोमीटर दूर पे हैं। ये वो लोग रहने की बिल्डिंग थी, इसके अंदर रहते थे सब। ये शाही मस्जिद है, तारामती मस्जिद है। किले के अंदर 7 मस्जिदें हैं, इनर फोर्ट में जहाँ से आप स्टार्ट करें 47 मस्जिदें हैं। कीमती वक्त अपना गुजारते थे तारामती प्रेमामती। ये बादशाहों के डांसर थे, इनको इन साइड में रखे थे किले के अंदर। अभी हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम जाएंगे वो होगा रानी महल। उतना ठंडा और उतना कूल होगा, ये जो हवा है गर्म हवा अंदर करके वो दीवारों से टकराएगी और ये हवा ठंडी करके बाहर जाएगी। तो महल के अंदर इसका मज़ा उठाते हैं ज़्यादा लोग, फॉरन लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि जितनी ज़्यादा धूप बाहर होगी किला उतना ठंडा होगा। अभी जैसे ठंडा महसूस हो रहा, तेज धूप में और ठंडा रहता है एयर कंडीशन। उस ज़माने में ये ऊपर थे, इसमें 5 हाथ से बने हुए हैं, तांबा पीतल सोना चांदी, उसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा होती है। इसके दीवारों की जो बड़ी दीवारें हैं उसके पीछे उनके जनाना बॉडीगार्ड होते हैं, लेडीज़ प्रे करने के लिए, धूप छाँव की घड़ी टाइम देख के प्रे करने के लिए। सब ये जो स्टेप दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर एक ब्लैक स्टोन है, उससे धूप छाँव पानी को जो है गर्म पानी और ठंडा पानी सप्लाई करने के लिए, सूरज का पावर उस पर रहता, पानी ठंडा और गर्म करके महलों में सप्लाई करते हैं। ये बेगम साहबा आने का रास्ता है, पब्लिक वे से जाना, लोग शाही रास्ते से नीचे आते थे।
ये उनके पूरे सिपाही वगैरह रहने के लिए, उनके गार्ड्स वगैरह के लिए हैं। वो हैं ज़मीन से 500 फीट ऊपर, उसको बोलते हैं बाला हिसार, मैंने सबसे हाइट पे हैं। सब ये लोगों को यहाँ ठहरा करके ये लोगों की एक तस्वीर निकालिए। चलो इतना ही रहा, जाओ उनका हाथ पकड़ो, आप पकड़ दो, निकालिए आप थोड़ा बैठ के पूरा बैठ। देखिए क्या प्यारा डिज़ाइन है ना, पेपर में तो भी मिस्टेक आती, और ऐसी बेहतरीन कटिंग है ऐसी इसकी, पूरे गुलाब के फूल के जैसे शेप में जो है, इसको गुलाब का हाउस बोलते हैं। काफ़ी डिज़ाइन वगैरह ब्लैक स्टोन के होते हैं, ब्लैक काले पत्थर, मिट्टी के पाइप लाइनिंग, ऊपर से चुने का प्लास्टर है। अब इस उस जमाने में क्या था, चप्पल वगैरह पहनने नहीं जाते थे बिल्कुल, पैर आप एक पैर में से चप्पल उतारिया, चप्पल उतारिया पैर उस पर रखी मट्टी पे, ठंडापन महसूस होता, तो आपके तलवों से लेके आपका जिस्म तक ठंडा कूल महसूस करते हैं, कोई टेंशन ना, ऐसा खूबसूरत ठंडापन, बहुत ठंडापन, बहुत कूल ठंडा एकदम। वहाँ है महाकाली का मंदिर, बादशाह के ज़माने में ये हैदराबाद की जो हिस्ट्री है वो गंगा जमुना कल्चर में बनाए, यानी सभी लोगों को इज्जत से नवाजा गया। तो उस ज़माने में जो बादशाह थे उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, तो सभी को एक साथ लेके चले, तो उस ज़माने में जो है समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु अलग है, तेलुगु रामदास ऊपर उनको बंदी बनाए। ऊपर माता के मंदिर है महाकाली जगदम्बा, आषाढ़म के महीने में माता की बड़ी यात्रा होती है, तो वो चीज़ जो है हैदराबाद के अंदर एक तहजीब ऐसी भी है, हर स्टेट के आदमी जो है यहाँ बड़े आसान से अपनी ज़िंदगी को रोटेशन कर सकते हैं। बहुत बिजी शहर, फवारा गुलाब के फवारे, ये नाच गाना वगैरह, ये रानी का महल है, ये बेगमों का पैलेस है, यहाँ पे शो होता है साउंड लाइफ शो, जो बहुत ही ज़बरदस्त शो है, एशिया का नंबर वन शो है। अमिताभ बच्चन साहब की स्टोरी, अमिताभ बच्चन साहब का आवाज़ है, यहाँ पर शो डालते हैं, पूरा साउंड एंड लाइट शो के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मेहराब, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, मेहराब, अगर उसको लकड़ी का डोर आ गया तो उसको बोलेंगे ताबदान, ठीक है। तो उसमें जो है अपने खूबसूरत सामाना वगैरह, ये जो डिज़ाइन वो ज़माने में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन थे मेहराबों में, इसके साइडों में मेहराब थे, इसके ऊपर प्लास्टर उस ज़माने का है, 500 साल पहले ऐसे डिज़ाइन वगैरह मेहराबों में होते थे। अंदर जो डिज़ाइन है वॉल के अंदर, इसकी कारीगरी ये है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेटल्स मिले हुए हैं, उड़द की दाल, चूना, सीमेंट, उसके अंदर बटानी, तो उसके अंदर स्टोन को रखने के बाद वो स्टोन को कुछ बन जाता है, बिल्कुल ठंडा होके चूल होके, इसको जो है काफ़ी लोग तहकीकात करे कि ये है कैसा। तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है, इसके अंदर से ये उस ज़माने का प्लास्टर इतना प्यारा खूबसूरत, अब अपन नया प्लास्टर जो है उसके पपड़े निकल जाते, कर रही दीवारों को भी कहना रहते, अब मैं बुराई कर रहा, ये आवाज़ पाठ के बैठे नहीं था, तो इसका देख के बड़े लोग बोले दीवारों के भी काम होते हैं, ये कमांडोज रहते थे, लेडीज कमांडोज, इसके पूरे रास्ते हैं अंदर से आने के। अभी हम लोग शाही गेस्ट हाउस देखे, रानी महल देखे, ये उनके खुफिया गार्ड्स वगैरह, उनके सिपाही वगैरह अंदर रहने के देखे, वहाँ पे उनको ठहरा करेंगे, वो उनको देख सकती है, वहाँ उसी स्पॉट पे आप ठहर के उनको देखेंगे तो चीनी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे आइए, यहाँ बैठ के देखिए, वो प्लेस नहीं दिखेगा, वहाँ बैठ के वो आपको देख सकते हैं। तो क्या होता है, कोई भी कपड़ा भी छटकेंगे तो ये आवाज़ बादशाह को सुनाई देगा, एक जगह हम अब ट्रैप करेंगे तो वो आवाज़ 2 किलोमीटर से सुनाई देगा, हम उससे ऊपर जा रहे हैं। आइए, गुलाब का पाठ है, कब आप आइए, आप लोग आइए, ये प्रेम में झंडा है, बोले ये प्रेम में ठहर जाइए, सब ये फ्रेम में ठहर जाइए, सब लोग मेरे को क्या मिला, क्या होते थे इसको बोलते कुटी, टॉयलेट, जमाने का टॉयलेट है। अच्छा, रूम्स हैं,
जिसमें घोड़े हाथियार रहते थे, जो ठंडा मुकाम होता था। क्या आवाज़ सुनिए आप, वो एक बॉली, ये एक साठ बॉली है बेगम साहबा की जगह बाग में कनीजों की बिल्डिंग। पोपट वो उड़ा लेते थे देखो पैरट्स दोन। या सैनिकांच्या छावण्या आहेत, ब्लू रूफ वाले सभी आर्मी के हैं, कम आर्मी के लोग रहते थे पैरेट्स। अच्छा, पूरे लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसकी और एक खास बात है, लोहा कहीं नहीं, पत्थर और लकड़ी पे फोड़ बना, ये खास बात है। पूरे किले में देखेंगे तो आपको लकड़ी सिवा पत्थर के कोई चीज़ नजर नहीं आती, लोहा कहीं नहीं। ये कौन सी लकड़ी है? अच्छा, बहुत सारे लोग है तो मालूम बोलना नहीं, ये तो आइडिया नहीं है। काफ़ी मजबूत लकड़ी है, 2 किलोमीटर दूर पहुँचेगा, 2 किलोमीटर दूर पहुँचेगा और वापस आएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाएगा वैसा वैसा आसानी होगी। इब्राहिम मस्जिद है, बादशाह यहाँ नमाज के लिए 5 टाइम जाते थे ऊपर। इब्राहिम मस्जिद कॉपर चौक अंबार खाना स्टोर रूम माँ काली टेम्पल बारादरी रामदास प्रिजन। रामदास को यहाँ 12 साल नज़रबंद करे थे, ये बादशाह के खजानची थे। आप तेलुगु रामदास समझ, रामदास शिवाजी के गुरु अलग है, आपका नाम था कच्चरला। सो मित्रांनो, आपला हा गोलकोंडा किल्ला आपण पाहिलात आणि जावेद साहेब यांनी आम्हाला ह्याचं दर्शन दिलं, खूप छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल त्यांचे आभार। आणि खूपच छान पाहण्यालायक आहे हा किल्ला, तर अवश्य तुम्ही या आणि भेट द्या, इथे अप्रतिम किल्ला आहे। भेटू तर पुन्हा, बाय बाय, धन्यवाद।